भोजपुरी के दो सुपरस्टार रवि किशन और मनोज तिवारी आज भले ही दोस्त हो, लेकिन एक वक्त पर दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। मनोज ने एक रिसेंट इंटरव्यू में कहा कि भोजपुरी में उनकी और रवि किशन की स्थिति बिल्कुल सलमान और शाहरुख जैसी थी। दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन रखते थे। मनोज का कहना है कि रवि उनसे फिल्मों में पिटना तक नहीं चाहते थे। एक भोजपुरी फिल्म में रवि किशन विलेन थे, जबकि मनोज ने पुलिस वाले का रोल किया था। एक सीक्वेंस में रवि को मनोज के हाथों मार खानी थी। रवि को ये चीज पसंद नहीं आई। उन्होंने डायरेक्टर से कह दिया कि वो मनोज से मार नहीं खाएंगे। रवि किशन ने भी आपकी अदालत में ये बात मानी थी कि उनके और मनोज के बीच ईगो क्लेश होता था। दोनों को एक दूसरे से कम सफलता बर्दाश्त नहीं थी। रवि किशन और मनोज तिवारी के बीच भले ही एक वक्त पर क्लेश रहा हो, लेकिन आज दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। दोनों बीजेपी से सांसद हैं। रवि किशन जहां यूपी के गोरखपुर से सांसद हैं, वहीं मनोज लगातार दो बार से उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से सांसद थे। ये दोनों अक्सर साथ में चुनाव प्रचार करते देखे जाते हैं। इन दोनों के अलावा भोजपुरी में एक और सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ भी आजमगढ़ से एमपी है। 2022 के उपचुनाव में अखिलेश यादव के खाली की सीट पर उन्होंने जीत दर्ज की थी। ऐसे ही बने रहिए राजनामा दुनिया के साथ। धन्यवाद।